नमस्कार, रमास्पी की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे टिंडा की सब्जी। टिंडा की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाते हैं टिंडा की सब्जी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए टिंडा, मैंने 250 ग्राम लिया है, लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, जीरा आधा चम्मच, तेल 2 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कटी हुई हरी धनिया, 2 टमाटर मीडियम साइज के मैंने छोटे टुकड़े में काटा है, 5 से 6 कलियाँ लहसुन का और 1 टुकड़ा अदरक का मैंने कूट कर रखा है, 1 प्याज मैंने छोटे टुकड़े में काटा है। और सबसे पहले हमने टिंडा को इस तरीके से छील करके काट लिया है, इसके छिलकों को चाकू से छील दिया है, मैंने इसका छिलका निकाल दिया है। अगर आप इसका छिलका नहीं निकालना चाहते तो इसके छिलके की भी सब्जी बनती है, आप छिलके सहित भी उसकी सब्जी बना सकते हैं। और मैंने इस तरीके इसको काट लिया है, मैंने टिंडे को काट लिया है। अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए हम गैस ऑन करेंगे और गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर तेल डालेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें सब्जी बना सकते हैं। और तेल को हम गर्म होने देंगे, इसके अंदर हम जीरा डालेंगे और इसे हल्का गुलाबी होने तक हम भूनेंगे। ये जीरा हमारा हल्का गुलाबी हो चुका है, इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे, लहसुन और अदरक जो मैंने कूट कर रखा है इसे भी इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिला करके 1 मिनट तक हम भून लेंगे तेल के साथ। मैंने 1 मिनट तक प्याज अदरक और लहसुन को भून लिया है, इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को भी इसके अंदर डाल देंगे, अंदर कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और हम 1 मिनट तक टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे। टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है, इसके अंदर टिंडे को डाल देंगे और इसे भी इसके अंदर मिला देंगे और इसके अंदर हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच नमक सब्जी के अंदर हम डालेंगे और इसे मिला देंगे। आंच को हम मीडियम रखेंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगा देंगे और इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी को चेक करेंगे और इसे हम मिला देंगे और इसे चेक करेंगे कि सब्जी हमारी पक चुकी है। अभी थोड़ी सी इसमें अभी कच्ची है हमारी सब्जी, तो इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और हरी धनिया डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे, तब तक सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। 2 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी सब्जी को चेक करेंगे, मिला देंगे, देखिए सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, हम गैस को बंद कर देंगे, सब्जी की प्लेटिंग करेंगे, धनिया से गार्निश करेंगे और हमारी टिंडे की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे रोटी चावल या पराठे के साथ खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने व्यू में जरूर दीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।